आज मैं उन सारे कमेंट्सों को अपने स्क्रीन पर आपके सामने दिखाऊंगा। कल बर्फ पड़नी शुरू हो चुकी थी और आज पूरा मौसम बिल्कुल वैसे ही बंद हो चुका है और आजकल सारे लोग इतने बिजी हैं कि सारे हल लगाने में अपने कामकाज में व्यस्त हैं। यही खुशी मिलती गाइस, ये हेटर होके भी मेरी वीडियो देखा। फिर से बर्फ पड़नी स्टार्ट हो चुकी है, ये बताइए शादी भी होने वाली बात आपकी। धन्यवाद सर, अरे अभी होने वाली नहीं, अभी तो खाली लड़की पसंद कर रखी है। छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे हेटरों के लिए क्या राय है आपके लिए? मैं राय क्या यार, वो लोग खुद तो कर नहीं पाते हैं और दूसरों को भी करना नहीं देते हैं। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। तो गाइस आज की ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है, सुबह के 8:30 बजे से स्टार्ट और मम्मी जी चली गई काम पे और गाइस अब ब्रेकफास्ट करता हूँ फटाफट से। तो आज का प्लान मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। की मौसम की बात की जाए तो मौसम का हाल देख सकते हो, बिल्कुल धूप भी लगी है और कुछ बादल आ रखे हैं बिल्कुल, वरना मौसम बिल्कुल साफ है। इस साइड से भी कुछ बादल आ रखे हैं। तो चलिए जी गाइस फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर मैं और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। यार ब्रेकफास्ट भी हो चुका मेरा और अभी मैं आ रखा थोड़ा गांव की साइड को घूमने के लिए। तो इसके बाद गाइस आज मैं उन सारे कमेंट्सों को अपने स्क्रीन पर आपके सामने दिखाऊंगा जितने भी मैंने अपने परसों वाले ब्लॉग में अपने लिए राय मांगी थी, क्या करें मेरे को यूट्यूब छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। तो जितने भी लोगों ने मैच्योर कमेंट किए हैं मैं आपके सामने स्क्रीन पर जरूर दिखाऊंगा। और आजकल सारे लोग इतने बिजी हैं कि सारे हल लगाने में अपने कामकाज में व्यस्त हैं क्योंकि आजकल खेतों में हल लगाए जा रहे हैं। तो गाइस चेक करो, नीचे की साइड पर सारे हल लगाने के लिए जा रखे हैं अपने बैलों को लेकर के, सारे कामकाज में इधर व्यस्त हैं। तो एक बार ये चेक करिए, ये चेक करो गाइस नीचे ये सब लोग लगे हुए हैं लगाने में खेतों में अपने। तो गाइस अभी आ रहा हमारा थोड़ा रोड की और साइड पे, राहुल भाई की दुकान की साइड पे और यहाँ पर राहुल भाई हैं। तो हेलो ब्रदर, जय श्री राम। जय श्री राम, क्या हाल चाल? बढ़िया, और बताइए? बस क्या बताना यार ब्रो, और ठीक है ना? बताइए शादी भी होने वाली बात आपकी। अब धन्यवाद सर, अरे अभी होने वाली नहीं, अभी तो खाली लड़की पसंद कर रखी है। हाँ जो भी है। तो गाइस आप कमेंट में इनको पहले विश कर देना, इनकी शादी होगी शायद 2025 तक, 2024 लास्ट दिसंबर में या 25 तक हो जाएगी। तो भाई भी आप शादी के मुंडन में फंस जाएंगे। भाई भी तो गाइस पहले इन्हीं से लेते हैं पहले अपने यूट्यूब की राय, सबसे पहले यही है मिले मेरे को। और मैं शुक्र करता हूँ गाइस, ये मेरे बहुत चीज़ों में बहुत मदद करते हैं मेरा ये। तो सबसे पहले राहुल भाई, क्या लगता है मेरे को यूट्यूब छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए? भाई नहीं छोड़ना चाहिए यार यूट्यूब ना, लोग जैसे ना मतलब कोई हेटर रहते हैं, हेटर रहते हैं कि तेरा कभी आगे नहीं बढ़ेगा, तू इतना कुछ नहीं कर पाएगा ये बस वो। अरे भाई बढ़ जाएगा यार, टेंशन मत ले, बस करता रहे मेहनत। मेरे हेटरों के लिए क्या राय है आपके लिए? भाई राय क्या यार, वो लोग खुद तो कर नहीं पाते हैं और दूसरों को भी करना नहीं देते हैं। ये तो बात सही है भाई, भाई बस और क्या बोलूँ यार। तो गाइस मेरे को मिला यहाँ पर दिव्यांशु, दिव्यांशु से पूछता हूँ मैं, ये छोड़ना चाहिए अगर मैं जैसे यूट्यूब छोड़ूं तो यूट्यूब छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? कुछ जब कुछ हो ही नहीं रहा तो हो जाएगा, वही तो बोला। आप अपनी राय दे दे, छोटों से भी अपनी राय लेनी चाहिए, बड़ों से भी लेनी चाहिए, तो उसमें थोड़ा मोटिवेट मिलता है। क्या करना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए ना। थैंक यू ब्रदर। कल बर्फ़ पड़नी शुरू हो चुकी थी और आज पूरा मौसम बिल्कुल वैसे ही बंद हो चुका है, बर्फ़ भी उसके बाद नहीं पड़ी गाइस, रात को थोड़ी बहुत पड़ रही थी उसके बाद बंद हो चुकी थी, अभी भी पूरा मौसम वैसे ही बन चुका है। देखो गाइस पूरा मौसम खतरनाक बन चुका है। तो चलो गाइस मैं चलता हूँ घर, फिर मिलता हूँ आपको। तो गाइस अभी टाइम दिन के 12 बज रहे हैं और मेरा फाइनली लंच अब रेडी हो रहा है गाइस। देखो गाइस प्याज टमाटर भी काट दिया और मेरे यहाँ पर खिचड़ी बन जाएगी, मूंग खिचड़ी। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ गाइस, आपको एक कल मैंने दिखाया था ना आपको बर्फ़ पड़ी थी कल, उसके बाद शांत हो गई थी बर्फ़, अभी देखो गाइस ये चेक करो, फिर से बर्फ़ पड़नी स्टार्ट हो चुकी है। ये यहाँ पर आप प्लास्टिक में चेक कर सकते हो, ये देखो गाइस क्या मस्त मौसम बन चुका है बर्फ़ वाला। तो ये चेक करो गाइस। हाँ जी व्हाट्सअप गाइस, तो गाइस अभी टाइम हमारा दोपहर के 2 बज रहे हैं और फाइनली मेरा लंच भी हो चुका है और मौसम भी बिल्कुल साफ हो चुका है गाइस। अभी तक बर्फ पड़ रही थी, उसके बाद अभी धूप लग चुकी है। मेरे को करनी आप लोगों से कुछ बातें, तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ गाइस, आप लोगों ने जो इतना सपोर्ट किया अभी तक चल रहा है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कल वाले ब्लॉग में कि जितने भी लोगों ने मेरे उस वीडियो पे मैच्योर कमेंट्स किए होंगे तो मैं सारे कमेंट्सों को मैं स्क्रीन पर आपके सामने मेंशन करूंगा। तो गाइस उसमें से कुछ मतलब जितने भी कमेंट आए हैं चाहे जितने भी आ रखे हैं उसमें से मतलब मेरे को एक
आप सभी लोगों के कमेंट से मेरे को एक अच्छी सीख मिली गाइस। जितने भी मेरे सब्सक्राइबरों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं उनके लिए मैं तो पहले सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद करता हूं गाइस। आपके इन कमेंट्सों से मैं खुद को एक मोटिवेट करता हूं। जितने भी सब्सक्राइबरों ने मेरे को अपनी राय दी कि यूट्यूब नहीं छोड़ना चाहिए, आपको अपनी मेहनत करनी चाहिए, एक दिन आपको आपकी कामयाबी हासिल जरूर होगी। जितने भी सब्सक्राइबरों ने इतनी अच्छी अच्छी राय दी मेरे को, तो गाइस उसमें से कुछ हेटर भी थे, मेरे हेटर थे जिन्होंने कमेंट्स में कर रखा मतलब पता नहीं क्या क्या बोले थे। सबसे पहले मैं उन सारे कमेंट्सों को यहाँ पर स्क्रीन पर मेंशन कर रहा हूँ, आपके बीच में देख सकते हो। इतने मेरे को मतलब मैच्योर कमेंट्स आए थे कि हाँ भाई ऐसा नहीं है, मतलब आप अपने मेहनत करते रहो जितने भी है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो उन सारे कमेंट्सों को। तो सबसे पहले मैं इन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ गाइस। रही बात हेटर्सों की, तो मैं तो गाइस पहली बात मैं अपने हेटर्सों को कभी अपने दिमाग पर लेता नहीं हूँ, बस मैं चिल रहता हूँ गाइस कि हाँ यार ये लोग कम से कम जो मेरे को पसंद नहीं करते हैं ये लोग अपना टाइम निकाल के मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरे को इससे ज़्यादा खुशी नहीं मिलती गाइस। चाहे वो कैसे भी कमेंट कर रहे हो, चाहे वो कुछ भी बातें बोल रहे हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं रहता गाइस। तो ये रहे कुछ हेटर्सों के कमेंट्स जो कल वाले ब्लॉग में भी आया था और जो परसों वाले मैंने जिसमें बोला था कि यूट्यूब छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें भी कुछ कमेंट्स आए थे। तो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आती गाइस, चाहे एक बड़ा यूट्यूबर हो चाहे एक छोटा यूट्यूबर हो, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आती, चाहे वो यूट्यूबर ही ना हो, वो सबको सबकी लाइफ में ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट ज़रूर होती हैं। तो इससे एक सीख मिलती कि आदमी को कभी रुकना नहीं चाहिए, किसी को अपनी मंजिल पाना है तो उसका सामना करना पड़ता है, रास्ते में कितनी कठिनाई मिलेंगे गाइस। जो मेरे हेटर हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और वो वीडियो में कमेंट कर रहे हैं, तो मेरे को बस यही खुशी मिलती गाइस कि ये हेटर होके भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपना जो भी है गाइस, मैं सबसे पहले इन हेटर्स को भी धन्यवाद करता हूँ गाइस। और इनके बोलने से गाइस मेरे को एक सीख मिलती है कि इनके बोलने से मैं अपने आप को मजबूत करता हूँ कि हाँ यार मैं कर पाऊँगा। और जितने भी नए सब्सक्राइबर जो मेरे को वीडियो के माध्यम से जानते हैं उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में और धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने भी अपनी एक अच्छी राय बताई मेरे को गाइस। अब आगे आप पे बात है, आपको भाई को सपोर्ट करना या नहीं करना वो आप पे बात है, पर मैं थकने वाला नहीं हूँ गाइस कि गाइस अब मेरे तीसरे साल कम्प्लीट होने में बस 3-4 मंथ बचे हुए हैं, 17 मई को 3रा साल कम्प्लीट होकर 4था साल लगना स्टार्ट हो जाएगा गाइस। तो अगर हमको अपने गोल पर चलना है तो गाइस हमको कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ेगा। आप अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे बना के रखना गाइस और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और जो मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहा है कृपया सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, आपका भाई आपको अच्छा अच्छा कंटेंट दिखाने की जरूर कोशिश करेगा। एक और बात गाइस, आप जैसा कंटेंट चाहिए आप मेरे को वीडियो में आप कमेंट्स में पिन कर सकते हो कि भाई ऐसा कर वैसा कर, तो मैं गाइस ज़रूर एक बेहतर से बेहतर ब्लॉग आपके बीच लेके आने की पूरी कोशिश ज़रूर करूँगा गाइस। तो गाइस इस ब्लॉग में इतना ही था, तो मिलते हैं जल्द से एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय उत्तराखंड, लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।